F1 यूनिट 1 के अंतर्गत आता है बच्चे तथा बचपन। हम लोग इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग पढ़े हैं बच्चे और बचपन के बारे में, जिसे इसके पहले हम बताए हैं कि बच्चे के बचपन के बारे में विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वान अपने अपने मत के अनुसार बच्चे का आयु के अनुसार बचपन बताया है, जिसमें इसके पहले हमने बताया है आयु की कसौटी पर बचपन। आयु की कसौटी पर बचपन में माना जाता है अधिकतर जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसका प्रारंभिक अवस्था होता है उसे बचपन माना जाता है, लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने मतों के अनुसार बताया है। तो निष्कर्ष का निकलता है कि युवा अवस्था से पहले का जो आयु होता है उसे बचपन कहते हैं। लेकिन फिर सेकेंड पॉइंट है कानूनी दृष्टि से बचपन। तो अलग अलग विद्वानों ने कानूनी दृष्टि से भी बचपन को अलग अलग आयु में बांटा है। जैसे सबसे पहले क्या देखते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बचपन की अलग अलग अवधारणा को परिभाषित किया गया है, जिसमें सबसे पहले भारत के किशोर न्याय अधिकार अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम के आयु को बच्चा को बचपन कहते हैं। अर्थात भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु को बचपन कहते हैं। दूसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2001। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2001 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को बचपन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम के आयु को बचपन कहते हैं। अर्थात बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार अगर जो बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसे बचपन कहते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघीय पत्र के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु को बचपन कहते हैं। तथा कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र में अगर बच्चा 18 वर्ष से कम है तो उसे बचपन कहते हैं, उसे युवा अवस्था का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय खनन अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बालों को बचपन कहते हैं, यानी भारतीय खनन अधिनियम के अनुसार अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है तो उसे बचपन कहते हैं, यानी इतने वर्ष से अगर कोई बच्चा कम है तो उसे किसी भी प्रकार के उद्योग घट्ठा या धब्बा पर नौकरी नहीं देनी चाहिए। इनका मुख्य कार्य है शिक्षा देना और शिक्षा का दायित्व गार्जियन और वहाँ के शिक्षक और समाज का है कि युवा उस बच्चे को कहीं से न कहीं से शिक्षा प्राप्त कराए। बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसके बाद ही उसे किसी भी रोजगार में लगाना है, जिसके पहले रोजगार में नहीं लगाना है। उपयुक्त विमर्श यहाँ तो पता चलता है कि बच्चा अगर 14 वर्ष तक के आयु तक अपना बचपन का लगता है तो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को तो काम तो मिल सकता है, लेकिन भारत में इसके बाद कहीं ढपा या अलग अलग कंपनी में या उसको क्या बोलते हैं पीट भट्टा या कहीं पे रोजगार तो मिल सकता है, लेकिन उसे व्यस्त का अधिकार नहीं मिल सकता। अगर कोई बच्चा का 14 वर्ष का आयु पार कर गया है तो उसे कहीं छोटा मोटा काम मिल सकता है, लेकिन जो व्यस्त का अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार, शादी विवाह का अधिकार, ये सब अधिकार उसे नहीं मिलेगा।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईपी कसौटी पर बच्चे का बचपन, उसके बाद में कानूनी दृष्टि से बच्चे का बचपन, और तीसरा है एक श्रमिक के रूप में बच्चा। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी बच्चा 14 वर्ष का उम्र पार कर लेता है तो उसे छोटे मोटे ढाबा पर, ईंट भट्टा में या कल कारखाना में या मैकेनिक का काम करने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से बड़े बड़े उद्योगों में का रोजगार नहीं मिलते हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या कहीं भी काम कर जहाँ पे अच्छा नौकरी मिले वहाँ पर उसके काम नहीं मिलता है। बच्चा जीवन भर मजदूर के मजदूर ही रह जाता है, इसीलिए उसे ये है कि कम से कम वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे जिससे वह रोजगार से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अपने उसके काम के प्रति दायित्व को संभालने की क्षमता हो जाएगी अलग अलग संस्कृति में। इसलिए इसे बच्चे को रोजगार तो मिल सकता है लेकिन अच्छा रोजगार नहीं मिल सकता है। और तीसरा है चौथा विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे का बचपन ऐसे जगह रहता है। चौथा है विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे का बचपन। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चे को बचपन अलग अलग रूपों में माना जाता है। जैसे भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को बचपन कहा जाता है। जापान में बच्चे के बचपन के बारे में अवधारणा कुछ अलग है। वहाँ पे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके त्वचा जो होता है लाल होता है, जिसके कारण उसे आकाशान कहा जाता है। जापान में बच्चे को त्वचा के लाल होने के कारण से आकाशान कहा जाता है। इस निष्कर्ष पर हम लोग कहते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग विद्वानों ने बच्चे के बचपन की अवधारणा को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है, लेकिन निष्कर्ष यह निकलता है कि 14 वर्ष से अगर बच्चा जो कम है उसे बचपन कहते हैं, तो 14 वर्ष तक के बच्चा को हमें शिक्षकों का या समाज के बुजुर्गों का या गार्जियन अभिभावक का एक दायित्व है कि उसे किसी भी ना किसी हालत में उसे शिक्षा ग्रहण कराए, क्योंकि बच्चा शिक्षित होगा तभी वह अपने अधिकार और के प्रति जागरूक होगा, अपने दायित्व को अच्छे तरह से संभाल सकेगा। यानी 14 वर्ष से कम के बच्चे को कहीं पे ढब्बा हो या ईंट भट्टा हो या छोटे मोटे कल कारखाना हो या उद्योग हो कहीं भी नौकरी पर नहीं लगाना है, उसे स्कूल भेजना है, क्योंकि स्कूल जाएगा तो स्कूल में ही उसे अच्छा संस्कार मिल सकता है। नहीं तो अगर अच्छा संस्कार नहीं मिलेगा तो बच्चा का विकास नहीं हो सकता है। जब किसी बच्चा का विकास नहीं हो सकता है तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है।